हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं यहाँ पे अभी पनीर को पीस करके काट के रख रही हूँ। और ये जो पनीर है, कल हम दिखाए थे वीडियो में कि हम पनीर दूध को जो है फाड़ के रख दिए थे, तो आज हम बनाएंगे। लेकिन हम दिन में नहीं बनाए थे, अभी हम बनाएंगे इसका पनीर का सब्जी। और यहाँ पे हम अभी दूध को उबाले हैं और इसमें हम साबूदाना जो होता है उसको हम थोड़ा सा फूलने के लिए रखे थे पानी में, और फूल गया था। उसके बाद हम इसमें दूध में डाल दिए हैं और साबू का खीर बना रहे हैं, साबूदाना का खीर। और चलिए मैं अभी से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम रात का खाना क्या बनाएंगे ये आपके साथ शेयर करते हैं। और हम चावल बनाएंगे रात को। तो चावल जो है बन गया है, और यहाँ पे जो है इसका ढक्कन मतलब ठीक से हम नहीं लिए थे, दूसरा ढक्कन ले लिए थे, इसीलिए थोड़ा सा जो है पानी गिर भी गया, मतलब चावल भी थोड़ा सा गिर गया था। अभी हम दूसरा थाली से इसका जो पानी है निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जो है हम जो साबूदाना का जो खीर बना रहे हैं, थोड़ा सा गैस को जो है धीमा कर दिए हैं, बन रहा है धीरे धीरे। चीनी लास्ट में डालेंगे। और यहाँ पे कुछ बोलने के लिए राजीव आया था, उससे कुछ बात कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कुछ बर्तन है, तो जैसे ही सब्जी बन जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे जो बर्तन है ये भी धो लेंगे। और आज जो है बारिश बहुत ज़ोर से हो रहा है। हम कल दिखाए थे कि आलू को उबाल के रखे थे कुछ आलू को, और यहाँ पे जो है एक आलू हम डाल दिए हैं इसमें कढ़ाई में। और यहाँ पे हम पनीर का सब्जी बनाएंगे। और ये जो है मसाला हम बना के जो रखे थे वही वाला मसाला है, तो आज जो है मसाला भी ख़त्म हो गया है। अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके सारा मसाला थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और पनीर का सब्जी बनाएंगे। तो इसमें हम अभी नमक हल्दी डाल दिए हैं, मिर्ची भी डाले हैं, रेड चिली पाउडर, और उसके बाद हम जो बादाम का जो पाउडर बना कर रखे थे पाउडर भी दे दिए हैं 2 चम्मच बादाम का। उसके बाद एक एक करके सारा मसाला इसमें डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि जल नहीं जाए मसाला। उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद सारा मसाला हो गया फ्राई। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के उसके बाद डाल दिए हैं पनीर को। और पनीर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मेरा आलू भी उबला हुआ था और मसाला भी बना हुआ था, बस इसको थोड़ा सा उबालना है। अब यहाँ पे जो है पनीर का सब्जी बन गया था। उसके बाद हम गरम मसाला भी इसमें डाल दिए हैं। और दिन में जो हम सब्जी बनाए थे तो वो भी गरम कर रहे हैं इंडक्शन में। और अभी जो है खाने का टाइम हो गया है, तो चलिए सबको खाना दे देते हैं। और पनीर का सब्जी हम जोया के लिए ही बनाए हैं क्योंकि जो सब्जी हम दिन में बनाए थे सारा सब्जी को मिला के, तो वो सब्जी वो नहीं पसंद करती है, तो इसलिए उसके लिए पनीर का सब्जी बनाए हैं और हम लोग भी खाएंगे। तो चलिए कुसुम के पापा को दे देते हैं खाना, एक एक करके फिर हम लोग भी खाना खा लेंगे। उसके बाद मैं आपसे फिर सुबह में मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं यहाँ पे बाहर आई हूँ और रात को जो है बारिश हुआ था और सुबह में भी बारिश हुआ था। तो अभी हम जो है गेट पे पानी डालने के लिए जा ही रहे थे, फिर याद आया कि बारिश हुआ था तो पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो कुदरत का ही पानी है और अगर अलग से हमको ज़रूरत नहीं है पानी डालने का, इसलिए हम नहीं डाले। और यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा कबूतर को खाना दिए हैं और उसके बाद हम मुँह भी धो लिए हैं, ब्रश कर लिए हैं और आ गए हैं रूम में। और अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। और ऐसे तो सुबह में उठ के पहले ध्यान ये सब हो ही गया था, और आकाश देवता सूर्य देव तो निकले नहीं है लेकिन फिर भी प्रणाम कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा झाड़ू देते देते कितना गंदा निकल गया है, और थोड़ा सा नहीं अच्छे से झाड़ू दे रहे हैं।
और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर हम किचन में जाएंगे, चाय बनाएंगे, उसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। जब हम सोके उठे थे तब कोई भी नहीं उठा था, लेकिन अब तो बहुत लेट हो चुका है, मतलब लेट मतलब बहुत ही टाइम हो चुका है। तो अभी एक एक करके सब कोई उठ गया है और हम चाय पी के और चाय दे भी दिए हैं सबको। और यहाँ पे अभी हम नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गए हैं और यहाँ पर भी अन्नपूर्णा माँ को याद करके गैस को जला लिए हैं और यहाँ पर अभी खाना बनाने का तैयारी कर रहे हैं। आज बनाएंगे हम छीम आलू का सब्जी और रोटी बनाएंगे। और इधर हम आटा सान के रख लिए हैं और यहाँ पे जो है छीम आलू का सब्जी जो बना रहे हैं इसमें हम बीच में मसाला भी डाल दिए थे और टमाटर आलू भी डाल दिए हैं और बन भी गया है क्योंकि गर्म पानी डाले थे तो जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे अभी हम रोटी बना रहे हैं और नाश्ता दे देंगे सबको क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया है, कम से कम 10 तो बज ही गया है और बारिश हुआ था इसी वजह से जो है टाइम का पता नहीं चल रहा है। तो चलिए पहले बनाते हैं, फिर मैं आपसे कुछ ही देर में बात करती हूँ। अभी मेरा नाश्ता बन गया है और हम मटर आलू का भी सब्जी बनाए हैं क्योंकि राजदीप के लिए, क्योंकि वो छीम का सब्जी नहीं खाता है तो कुछ सबके लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल मतलब जो पसंद होता है वो तो बनाना ज़रूरी है ही, नहीं तो कोई खाएगा कोई भूखा रह जाएगा। तो इसीलिए हम उसके लिए मटर आलू का सब्जी बना दिए हैं। और अभी नाश्ता तो कम्प्लीट हो गया है, अभी यहाँ पर सफाई चल रहा है तो सफाई करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बर्तन है बर्तन भी धो लूँगी, उसके बाद फिर पोछा नहीं लगाए थे सुबह में क्योंकि सारा काम अगर करने जाएंगे तो नाश्ता बनाने में लेट हो जाएगा और दुकान भी लेट से ही पहुंचेंगे। इसीलिए सोचे पहले सोचे नहीं मतलब हम तो हमेशा पहले नाश्ता ही बनाते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं, लेकिन नाश्ता बनाने से पहले हम झाड़ू ज़रूर लगाते हैं घर में ताकि कोई बासी घर से नहीं निकले। और यहाँ पर देखिए नाश्ता बनने के बाद कुछ जो है बर्तन हुआ था तो धो रहे हैं, उसके बाद ये जो सिंक है सिंक को भी अच्छे से साबुन से धोएंगे। दिन में हम नहीं धोते हैं लेकिन रात को ही हम ज़्यादातर सिंक को साफ करके रखते हैं, लेकिन आज जो है पूरा साफ कर लिए हैं क्योंकि बर्तन एक भी यहाँ पे नहीं था इसीलिए। और ऐसे तो दो एक दिन में करते ही हैं, अगर 3-4 दिन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर हमको ही हाथ डालने में इसमें घिन सा लगने लगता है, इसलिए दो एक दिन में ही कर ही लेते हैं। जैसे कि आज किए तो कल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर परसों हमको करना ही पड़ेगा। हमको क्या, सबको ही करते होंगे ऐसे, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं आप सबको। तो खैर चलिए यहाँ पे सफाई हो गया है, अब जहाँ पे बर्तन रखते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और फिर हम आपसे फिर जल्दी ही नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ऑल टाइम स्माइल कीजिए और खुश रहिए, बिंदास रहिए, बाय।